कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्वेश्चन नंबर 5 है, 2014 का पेपर है कॉर्पोरेट फाइनेंस में। इसमें हम से एनपीवी भी मांगा है और आईआरआर भी मांगा है। आपको 5 ईयर दिए गए हैं, ईयर 1, 0, 1 यानी इनिशियली आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फर्स्ट ईयर में आपको 75,000 रिटर्न मिलता है, सेकेंड ईयर 63,000, फिर थर्ड ईयर में 61,000, फोर्थ में 68,000 और फिफ्थ ईयर में 64,000। अच्छा, क्वेश्चन में बताया गया है कि आप एनपीवी कैलकुलेट कर लो, अगर डिस्काउंट रेट कितना हो, डिस्काउंट रेट 12%, डिस्काउंट रेट कितना हो 12%। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सही है, डिस्काउंट फैक्टर किस तरह कि आप लोग करोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.12, यानी ये वो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है, 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर एन, इसकी पावर 0, फिर 1.12 की पावर 1 और 1.12 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1.2 का क्यूब हो जाएगा, 1.12 पावर 4 और फिर 1.24 की पावर 5, ये एन जो है इधर आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जिस चीज की भी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 ये 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेटर में आसान बनाने के लिए आप क्या करते हो, जो आंसर आता है उसको फिर डिनोमिनेटर पर तकसीम किया करो, तो ये खुद ब खुद स्क्वायर हो जाता है, फिर क्यूब बन जाता है और इसकी पावर 4 बन जाता है। कैलकुलेटर में आप 1 को 1.12 पर डिवाइड कर लेंगे, 0.892। अभी इसी आंसर को आप फिर 1.12 पर डिवाइड कर लो, 0.797, फिर इसी आंसर को दोबारा 1.12 पर डिवाइड कर लो। आप आम मैथमेटिक्स फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो, लेकिन ये एक आसान तरीका है, 0.711, इसको फिर आप डिवाइड कर लो 1.12 पर, फिर 0.635 और फिर 1.12 पर 0.567, ये आपका डिस्काउंट फैक्टर हुआ। इससे हम क्या मालूम करेंगे, अभी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। सही है, 1 के साथ जब 310,000 310,000 मल्टीप्लाई होता है, तो यही 310,000 जो है ये आ जाता है। अभी आप 75,000 को 0.892 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 66,900। अच्छा, फिर 63,000 को आप 0.797 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, दो बंदे कर लें, शाबाश, 52,111। फिर 61,000 को 0.717 मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा तेज हो जाए, दो बंदे, शाबाश, कितना आता है, 43,371। फिर 68,000 को 0.635 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 43,180, 43,180, 36,288, 36,288, इसको आप जो है सम कर ले। सम किस तरह करोगे, पहले ये सारे पॉजिटिव फिगर जो है ये जो है आप इसमें सम कर ले, और इससे फिर ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर ले, शाबाश, तो ये आपकी एनपीवी आ जाएगी। पहले पॉजिटिव फिगर जो है ये सारे सम कर ले, और फिर उससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस कर ले, 2,50,850, ये इसका, और इससे माइनस कर लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 68,150, माइनस में। अच्छा, देख इधर, आपकी एनपीवी माइनस में है,
तो एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट ए था, प्रोजेक्ट ए इज नेगेटिव, सही। तो क्या करेंगे, दिस प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड, शुड बी रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका डिस्काउंट रेट के साथ डिस्काउंट रेट को रिकवर नहीं कर रहा। जब एनपीवी जीरो आती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिस्काउंट रेट कवर कर रहा होता है। और जब उससे पॉजिटिव आती है, यानी फॉर एग्जांपल आपका आंसर पॉजिटिव यानी 100 आ गया, तो उस 100 का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कवर कर रहा है, डिस्काउंट रेट को भी कवर कर रहा होता है, और उसके साथ साथ आपको 100 रुपीज जो है वो रिटर्न के तौर पर भी देता है।